हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों ने फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। देर शाम से हो रही बर्फबारी के चलते चंबा, शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जहां सैलानी इसका आनंद ले रहे हैं, वहीं प्रदेश के तापमान में भी कमी आई है। ताजा बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों के तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की कमी आई है। ताजा बर्फबारी के चलते प्रदेश की कई सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान जताया है। मनाली, डलहौजी, शिमला और कुफरी में सुबह से सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ताजा बर्फबारी का सैलानी जमकर आनंद ले रहे हैं। देर शाम से हो रही बर्फबारी में रोहतांग पास में 3 फुट, सोलांग में 1.5 फुट, शिमला में 4 इंच, मनाली में 8 इंच और डलहौजी में 7 इंच ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पिछली बर्फबारी की मार के चलते सैलानी बेशक प्रदेश के अधिकतर होटलों की बुकिंग कैंसिल करा रहे थे, लेकिन ताजा बर्फबारी से फिर अच्छे सीजन की उम्मीद जगी है। हमें 3 दिन हो गए डलहौजी आए हुए। यहाँ पर बहुत बर्फ है, बहुत ठंड है। हाँ, मतलब खुशी भी हो रही है और बुरा भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी गाड़ी बीच में रुक गई थी, लेकिन मजा भी आ रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा है। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकने की वजह से हमें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा और ठंड बहुत, खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत एक्सपेंसिव है।